नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी। अब रटो नहीं समझो मैं, और गर्व एकेडमी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाकर के इस गर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आप लगातार अपडेट हो सकें। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ, अर्थक्वेक। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व के भूगोल में आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भूकंप क्या होते हैं, भूकंप किस तरह से आते हैं, उनमें प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लव तरंगे क्या होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स क्या होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अर्थक्वेक के क्या रीजंस होते हैं आने के, भूकंप आने के क्या कारण हैं, क्या भौगोलिक कारण होते हैं, क्या मानवीय कारण होते हैं, जियोग्राफिकल रीजंस क्या हैं या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हैं अर्थक्वेक आने के, तो उससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। उससे रिलेटेड ये एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भूकंप, पृथ्वी में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। होता क्या है, अचानक हमारी अर्थ का जो इंटरनल पोर्शन होता है तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी चारों डायरेक्शंस में जा करके जो अर्थक्वेक वेव्स के रूप में फैल जाती है, और फिर यही वेव्स क्या करती हैं, भूकंप उत्पन्न करती हैं। तो साइंस की जो ब्रांच जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सिस्मोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अवकेंद्र और अधिकेंद्र, ये दो टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। अवकेंद्र क्या होता है, यानी फोकस और हाइपोसेंटर, और दूसरा अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। तो फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ से भूकंपीय तरंगें मुक्त होती हैं। यानी सबसे पहले जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स रिलीज होती हैं उसे फोकस या हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक बोलते हैं, यानी भूकंप का उद्भव केंद्र। भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ है, भूकंपीय तरंगें जहाँ से सबसे पहले मुक्त होती हैं उसे अवकेंद्र बोलते हैं। याद रखिए, फोकस और हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और दूसरी टर्म है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। एक, जहां से भूकंपीय तरंगें सबसे पहले निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, और दूसरी जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। तो जहां पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, और जहां से निकलती हैं उसे अवकेंद्र बोलते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक एंड एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। हाइपोसेंटर और एपिसेंटर दोनों बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, और एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बहुत पुट अप किया जाता है। और जो एपिसेंटर होता है वो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप का सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विनाश क्षेत्र होता है, जिसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विनाश कहाँ होता है, तो एपिसेंटर पर। एपिसेंटर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किसी भी अर्थक्वेक से होता है, तो इसे बिल्कुल याद कर लीजिए आप। फिर भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं, व्हाट आर सीस्मिक वेव्स। तो दो आधार पर बांटी गई हैं, एक भूगर्भिक तरंगें होती हैं और एक धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स, और दूसरा सेकेंडरी तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स। तो प्राथमिक तरंगें जो होती हैं, तो इन तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होती है, और जो होती है लगभग 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि बहुत तेज होता है। घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अगर हम पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स की बात करें, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स की बात करें, तो उसमें से प्राइमरी वेव्स एकमात्र वेव्स हैं जो अनुदैर्ध्य हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है। और फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्राइमरी तरंगे होती हैं, ये सभी माध्यमों में चलती हैं, ये सारे मीडियम्स में चलती हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारे मीडियम्स के लिए होती हैं प्राथमिक तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं कि कौन सी ऐसे तरंगे हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। भूकंपीय तरंगों की कौन सी तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं, तो वो प्राइमरी वेव्स होती हैं। और प्राइमरी वेव्स किस वेव्स का प्रकार है, भूगर्भिक तरंगों का।
फिर इसके बाद करते हैं सेकेंडरी वेव्स की, इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की गति लगभग 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्राइमरी तरंगों से इनकी गति थोड़ी कम होती है और घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ती है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखिए डिफरेंस, प्राइमरी तरंगों में हम लोगों ने बात करा वो अनुदैर्ध्य तरंगे थी और ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और प्राइमरी वेव्स कैसी वेव्स थी? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इन कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे होता है और ये केवल ठोस माध्यम यानी केवल सॉलिड मीडियम में गति कर सकती हैं। सेकेंडरी वेव्स की बात करें हम तो सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड मीडियम में गति करेंगी, केवल सॉलिड मीडियम में चल पाएंगी, बाकी लिक्विड और गैस दो मीडियम में नहीं चल सकती हैं। फिर धरातलीय तरंगे, तो वे तरंगे जो धरातल पर गति करती हैं, इनमें एल तरंगे शामिल हैं। एल तरंगों को लव वेव्स बोलते हैं और लव तरंगों की गति सबसे कम होती है, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विनाश करती हैं। ये तरंगे विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा विनाश कौन सी तरंगे करती हैं, तो क्योंकि आप स्पीड से अगर उसको रिलेट कर देंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। स्पीड से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि स्पीड की बात करें तो प्राइमरी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और लव वेव्स की यानी एल तरंगों की गति सबसे कम होती है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। सबसे ज्यादा विनाश कौन सी तरंगे करती हैं? एल तरंगे करती हैं यानी लव वेव्स करती हैं। फिर भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं हम उसे बोलते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। ये देखिए ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। फिर उसके बाद करते हैं भूकंप का मापन या भूकंप मापने के स्केल कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रमुख स्केल होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल और एक दूसरा होता है मार्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक की इकाइयां होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह 0 से 9 तक इकाइयां होती हैं। और इसमें जब एक इकाई आगे बढ़ते हैं, तो जैसे 0 से 1 इकाई आगे बढ़े तो मतलब 10 गुना ज़्यादा एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? 10 टाइम्स इंक्रीज करती है। 0 से 1 10 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी, देन 1 to 2 अनदर 10 टाइम्स इंक्रीज इन एनर्जी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 0 से 9 तक, तो क्या होगा, एनर्जी 10 गुना ज्यादा बढ़ती जाएगी। दूसरा होता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल के द्वारा भूकंप के कारण होने वाली आघात की तीव्रता को मापते हैं। रिक्टर स्केल में हम एनर्जी को मापते हैं, लेकिन मर्केली स्केल में हम क्या करते हैं, मर्केली स्केल में हम भूकंप के कारण होने वाली आघात की तीव्रता को मापते हैं। और ये एक गुणात्मक स्केल है। इस स्केल में 1 से 12 तक की इकाइयां होती हैं। 1 to 12 यानी अगर पूछा जाए कि 0 से 9 तक की इकाइयां किसमें होती हैं, तो रिक्टर स्केल में। लेकिन 1 से 12 तक की इकाइयां किसमें होती हैं, तो मर्केली स्केल में। आजकल मॉडिफाइड मर्केली स्केल का यूज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं भूकंप क्यों आते हैं, व्हाट आर रीजंस ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक्स जो आते हैं तो उनका नेचुरल रीजन भी होता है और एंथ्रोपोजेनिक रीजन होता है। नेचुरल रीजन में 6 मेन रीजन्स हैं, विवर्तनिक गतिविधियां जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों की जो गतियां होती हैं उसके कारण। दूसरा भ्रंश निर्माण यानी जो फाल्ट्स होते हैं जो उनका जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से। और तीसरा ज्वालामुखी, कोई फटता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो वो उस तरह की वोल्केनो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से। चौथा आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, उसकी वजह से। और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ अर्थ, जो अर्थ ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है जिसके कारण भूपटल का संकुचन होता है, तो ठंडे होने की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण भी अचानक से भूकंप आ जाते हैं। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ये भी एक रीज़न है। और ये है क्या एक्चुअली, मैं इसको देख लेते हैं। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रोफेसर रीड ने दिया था। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी प्रोफेसर रीड के द्वारा दी गई थी। प्रोफेसर रीड के अनुसार चट्टानें रबर की भांति होती हैं या खींचती हैं, और विपरीत दिशा से चट्टानों पर बल लगाने पर चट्टानें रबर की तरह एक सीमा तक खींचती हैं, तो विकृत हो जाने पर फिर से टूटती हैं और अपना वास्तविक आकार ग्रहण कर लेती हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप भूकंप आते हैं। फिर मानवजन्य कारणों की बात कर लेते हैं। तो विस्फोट, हम एटम बॉम्ब बनाते हैं तो उसकी जो टेस्टिंग होती है, तो जितने एरिया में होता है उतने एरिया में जबरदस्त भूकंप आता है, तो एक रीज़न ये भी हो गया। डैम बनाते हैं तो उसकी वजह से भी, माइनिंग होती है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, तो ये सब एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हो गए। तो ये तो अर्थक्वेक को रिलेटेड हमारा एक वीडियो था।
स्पेशली हम लोगों ने इस वीडियो में बात करी प्राथमिक तरंगों की, द्वितीयक तरंगों की और लव तरंगों की, यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स, एपिसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है और अर्थक्वेक के क्या रीजंस है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना जीके और करंट अफेयर्स अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।